सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो पर नींद जरूर पूरी होती है। प्रकृति मनुष्य का गुरु होता है। कोहरा हमें सीख देता है जीवन में जब अंधकार छा जाए कुछ दिखाई ना दे तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। समझ ज्ञान से गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते होंगे परंतु कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। आज का पंचांग 7 मार्च 2021 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि, शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 8:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:01 से 6:29 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 7 मार्च 2021 दिन रविवार, किसी जटिलता की वजह से योजनाओं में देरी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य दोस्तों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, शायद आर्थिक मदद की भी। कानूनी मामलों के लिए तैयार रहें, लेकिन आध्यात्मिकता और आत्म की खोज के लिए समय निकालें। व्यस्त और थका देने वाले दिनों के बाद आज का दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है। आज आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताएं क्योंकि प्रियजन हमेशा ताकत और उत्साह प्रदान करते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब थक जाता है, जबकि विजेता तब थमता है जब वो जीत जाता है। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए किसी नई उपलब्धि का निर्माण कर रहा है जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपनी पिछले कुछ कमियों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में और अधिक बेहतर सुधार लाने की कोशिश करेंगी। किस बात की तरफ अधिक ध्यान देना है यह तय करना आज आपके लिए मुश्किल होगा। अपने तय किए गए लक्ष्य को कहीं लिख कर रखें ताकि जब भी आप मार्ग से भटक रहे हों अपने आप को फिर से मार्ग के ऊपर आने के लिए यह बात उपयुक्त साबित होगी। अपने आप को फिर से मार्ग के ऊपर लाने के लिए यह बात उपयुक्त साबित होगी। काम से संबंधित मार्केटिंग को और बेहतरीन करने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता होगी जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में आपको सफलता मिलेगा। सावधानियां, वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आने से बजट बिगड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। शॉपिंग और मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंध में किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति बन सकती है। भाई बहन की परेशानियों को सुलझाने के लिए आज आप किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इनमें आपका पार्टनर भी पूरा साथ देगा। इसके बदले में आपका साथी आपसे केवल प्यार व केयर की मांग करता है। उसकी हर संभव मदद करें और साथ दें। यह व्यस्त अवधि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में दरार डाल सकती है जिससे वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। अपने दिल के खास व्यक्ति पर आज विशेष ध्यान दें और प्यार दें। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको अनदेखा ना करें। बात करते हैं करियर की। अपने धन आभूषण या कीमती सामान का खास ख्याल रखें क्योंकि आपके सितारों के अनुसार आज चोरी या नुकसान की संभावना है। समय सीमा में विलंब ना हो इसके लिए पूरी योजना बनाएं और उसके अनुसार कार्य करें।
कुछ समय निकाल ली, अपने दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय ली। कई दिनों तक बिना ब्रेक लिए काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। उच्च और पार्टी की भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में आप व्यस्त हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों को नजरअंदाज ना करें और याद रखें, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। बात करते हैं सेहत की। किसी भी वाहन को चलाते समय आज आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपको सड़क दुर्घटना में कोई चोट भी लग सकती है। पैदल और वाहन चलाते समय आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। और ध्यान रहे, आप रोड पर यातायात के नियमों का भी पालन करें। आज का उपाय, आज आप गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध कर दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।